हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? स्वदेश पब्लिक स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं मैं आपका, एम एस फौजदार। सो स्टूडेंट्स, आपका जो क्लास फोर्थ का जो मैथमेटिक्स का जो कोर्स बुक है वो आपके व्हाट्सएप नंबर पे मैं सेंड कर चुका हूं, आप वो जाकर के देख सकते हैं। ओके, सो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं ऑनलाइन क्लासेस में आपका मैथमेटिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है बच्चों आपकी मैथमेटिक्स की जो बुक है उसका कवर पेज। ओके, सो मैं इस बुक को यहाँ पे ओपन करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। क्या इस बुक के अंदर हमें पढ़ना है वो सब आपको मैं बताऊँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस बुक को कर लेते हैं हम ओपन। ओके, तो देखिए बच्चों, तो ये बुक ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, इसको स्क्रॉल करना है। देखो, मैं ये बुक आपके व्हाट्सएप नंबर पे PDF फॉर्मेट में भेज चुका हूँ। ओके, तो ये बुक जो है आप अपने मोबाइल में आसानी से इसको ओपन कर सकते हो। ओके, तो देखिए इस बुक के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ओके, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, देखो बच्चों, ये है कंटेंट्स यानी इंडेक्स। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं? इसमें पहला चैप्टर है बच्चों, ये है लेट अस रिवाइज, यानी आपने जो पहला जो चैप्टर है इसमें वही सब है जो आप क्लास थर्ड के अंदर आप पढ़ करके आए हो मैथमेटिक्स के अंदर। ओके बच्चों, और दूसरा चैप्टर है आपका रोमन नंबर्स, थर्ड है एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स यानी थोड़े बड़े नंबर्स के बारे में बात करेंगे, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन। ये सारे चैप्टर बच्चों आपके इस बुक के अंदर आपको मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल जो चैप्टर्स हैं वो हैं 17 चैप्टर्स आपको जो है इस बुक के अंदर पढ़ने हैं आपको बच्चों, ठीक है? सो हम बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा जो पहला चैप्टर है उसके साथ। ओके, सो पहला चैप्टर बच्चों हमारा कौन सा है? यह है लेट अस रिवाइज, यानी इसमें आपको क्लास थर्ड के अंदर जो भी पढ़ाया गया है उस सब का रिविजन कराया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं। देखो बच्चों, आपको क्या करना है, इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा उस वीडियो को देखने के बाद आपको एक नोटबुक बनानी है बच्चों, ठीक है? उस नोटबुक में जो है इन क्वेश्चंस को करना है। मैं आपको ये पूरा पेज दिखा देता हूँ, मैंने ये अभी जूम कर रखा है। ओके, तो मैं आपको ये पूरा पेज दिखाता हूँ। देखो, ये है फर्स्ट पेज, यानी कि जो एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट होगी ये है पेज। तो आज हम बात करेंगे बेटा इसी पेज के बारे में, केवल इसी पेज को हम समझाएंगे आपको, जो भी इसमें क्वेश्चंस हैं और यही क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं, यानी ये पेज आपका होमवर्क पेज रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो अब मैं इसको जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियरली दिखाई दे। ओके, सो देखो एक एक करके क्वेश्चंस को हम करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों आपको इसमें क्या लिखना है, आपको इसमें नंबर नेम्स लिखने हैं। ओके ठीक है, इसमें जो नंबर्स दे रखे हैं उनको किस में लिखना है बच्चों, आपको इंग्लिश में लिखना है। ओके, तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए क्या करना होगा, हम क्या करते हैं, देखो पहला नंबर है ये वाला, तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, 1 10 100 करते हैं ना, ऐसे करके देख लेंगे, ठीक है? तो पहला नंबर क्या लिखा हुआ है, ये, तो इसमें देखो 5 के ऊपर क्या लिखेंगे बच्चों, वंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वंस लिखेंगे। ओके, उसके बाद 2 के ऊपर क्या लिखेंगे, 2 के ऊपर क्या लिखेंगे, टेंस लिखेंगे, देन 7 के ऊपर 100 लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद 5 के ऊपर, अब देखो इसमें आ नहीं रहा है क्योंकि ऊपर से ये थोड़ा मार्कर जो है मोटा है, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चंस को हम कर देंगे, ठीक है? किस तरह से करेंगे इसके लिए मैं छोटा वाला मार्कर ले लेता हूँ। ओके, देखो मेरे पास ये स्केच है, इसको यूज कर लेते हैं वंस। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा ना, देखिए वंस, ठीक है, देन 2 के ऊपर क्या लिखेंगे, टेंस। ओके, देन 7 के ऊपर क्या लिखोगे बच्चों, 100। ओके, देन 5 के ऊपर क्या लिखोगे, 1000, क्या लिखोगे, 1000।
थाउजेंड, यानी टी एच यानी थाउजेंड। ओके, अब देखो, अब आपको क्या करना है बच्चों, इसको करना है रीड। तो देखो, फाइव के ऊपर क्या लिख रहा है, थाउजेंड, तो हम बोलेंगे 5725, 5725। तो बच्चों इसको यहाँ पे हमें लिख देना है, किस तरह से लिखेंगे, 5000। तो यहाँ पे हम फाइव फाइव थाउजेंड 5700, तो क्या लिखेंगे बच्चों, 700। ओके, 25 25। ओके, इस तरह से लिख दोगे। ऐसे ही आपको बेटा नीचे वाला नंबर लिखना है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, 3 के ऊपर वंस, फिर 9 के ऊपर टेंस, फिर 8 के ऊपर 100, इसके ऊपर क्या लिखेंगे, 1000। तो बच्चों क्या बोलेंगे इसको, 3000, क्या बोलेंगे, 3000, 3000। अच्छा, 8 के ऊपर 100 है, तो ये बोलेंगे 8EIGHT, 800। ओके, 93। ओके, NINETY, 93। ओके, इस तरह से लिख देंगे। ओके बच्चों, तो ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा ना, ठीक है। ओके, उसके सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। ओके, तो देखो इसको मैं और कर लेता हूँ ऊपर। देखो बच्चों, ये है दूसरा क्वेश्चन, यहाँ लिख रहा है राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। ओके स्टूडेंट्स, राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। तो इसमें से बेटा ये जो दे रखे हैं आपको क्या लिखना है, इनको मैथ्स में लिखना है, मैथमेटिक्स में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो क्या कह रहा है, 1000 1000, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, ये काम कर लेते हैं, है ना। देखो हम वंस टेंस हंड्रेड और ये थाउजेंड ऐसे लिख लेते हैं। ओके, अब देखो क्या कह रहा है, 1000, तो थाउजेंड के नीचे क्या लिख देंगे बच्चों, वन लिख देंगे, ठीक है। देन 200, यानी 100 के नीचे क्या लिखेंगे बेटा, 100 से पहले क्या आ रहा है, 2, तो 100 के नीचे 2 लिख देंगे। 36, तो बच्चों 30 और ये 6। ओके, इस तरह से लिख देंगे ना। ऐसे देखो ये है 9000, तो बेटा वही लिखेंगे, वंस टेंस हंड्रेड और ये थाउजेंड। तो देखो थाउजेंड से पहले क्या आ रहा है, 9, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 9000। फिर है 900, यानी 100 के नीचे क्या लिखेंगे, 900। ये क्या लिख रहा है, 50, तो बेटा 50 तो आपको लिखना आता है, तो 50 आप लिख दोगे। तो बेटा इस तरह से देखो, मैंने दो क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, तो बाकी के 3 क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है। ऐसे ही इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, केवल 2 क्वेश्चन बताए थे और बाकी को आपको करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो आगे पढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, इरेज हो चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन लेते हैं थर्ड। ओके, तो देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है बच्चों, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या करना है बच्चों, हमें इन नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम क्या लेंगे, देखो यहाँ पे ये पहला नंबर है 9987, तो कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो 9 लिख रहा है ना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम 9 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 9। अब देखो 9 के बाद कितने डिजिट्स हैं बेटा, 1 2 3, कितने हैं, 3, तो बेटा कितने जीरो आ जाएंगे, 3, 1 2 3। ओके बच्चों, बीच में हम कौन सा साइन लगाएंगे, बीच में हम लगाएंगे क्या, बीच में हम साइन लगाएंगे प्लस का। क्या लगाएंगे बच्चों, प्लस का, आपको नहीं दिख रहा ना, कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा लगा देता हूँ ब्लैक मार्कर से ही। ओके, अब दिख रहा है, चलो
उसके बाद बेटा अगला वाला 9, तो ये वाला 9 यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो देखो बेटा इस 9 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 है ना, तो कितने 0 आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। उसके बाद फिर क्या लगाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे। अब कुछ किसको लेंगे, 8 को लेंगे, 8 उतार लिया, 8 के बाद कितना है बेटा, 1 डिजिट है ना, तो 1 0 आ जाएगा। देन लास्ट में क्या आएगा, 7 आएगा, है ना, इस तरह से लिख देंगे। ओके, ऐसे बच्चों इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले किसको लेंगे, 2 को लेंगे, 2 के बाद कितने 0 आएंगे बताओ, 1 2 3, कितने 0 आ जाएंगे, 3। देन प्लस का साइन तो लगाना नहीं भूलना है। उसके बाद किसको लेंगे, 0 को लेंगे, 0 के बाद कितने 2 हैं, तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे। उसके बाद किसको लेंगे, 4 को लेंगे, 4 के बाद कितना है, एक ही है, तो 1 0 लगाएंगे। अब क्या लेंगे बच्चों, 8 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से कर देंगे। ऐसे बच्चों आपको ये क्वेश्चन करना है, ऐसे क्वेश्चन कर लोगी, ठीक है। मैं इसको रेज कर देता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ओके, तो इसको जरा देखते हैं, क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द एन सर्कल्ड। बच्चों एन सर्कल्ड का मतलब क्या होता है पता है आपको, एन सर्कल्ड का मतलब है, देखो इसमें आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं, देखो इस नंबर को ध्यान से देखो, 2 3 4 5, तो 4 के ऊपर क्या बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, यानी 4 के ऊपर क्या बनना है, सर्कल, तो इसलिए बोलेंगे इसको एन सर्कल्ड है। 4 क्या है हमारा, एन सर्कल्ड है। ओके, तो क्या करना है, उसका क्या लिखना है बच्चों, प्लेस वैल्यू लिखना है, यानी जिस जिस डिजिट पे गोला बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, उसका क्या लिखना है, प्लेस वैल्यू लिखना है। ओके, तो कैसे प्लेस वैल्यू लिखेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, 4 पे गोला बनना है, 4 पे सर्कल है, तो बच्चों लिखेंगे यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू ऑफ 4, किसका, 4 का, क्योंकि 4 पे सर्कल बना हुआ है ना बच्चों, तो इस पे तो हम लिखेंगे बेटा 4, लेकिन 4 के बाद देखो कितना आ रहा है, एक डिजिट है, तो कितना 0 आएगा, 1। ऐसे बच्चों इसको देखो, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, क्योंकि बेटा सर्कल किस पे हो रहा है, 5 पे हो रहा है, तो इसलिए इसको हम 5, उसके बाद कितने 0 आ जाएंगे, 2 0 हमारे आ जाएंगे। ओके, तो 2 0 हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, तो आपको ये काम जो है होमवर्क में करना है, यही फर्स्ट पेज जो है आपको अपनी नोटबुक के अंदर करना है। ओके, सो बाय, गुड बाय एंड थैंक यू। ओके, तो ये आपको वर्क करके करना क्या है, उसका फोटो खींच के मेरे पर्सनल जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे आपको जरूर जो है इसको सेंड करना है फोटो खींच के, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।